हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की वीडियो में हम चार्ल्स डी एलिस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटी को स्टडी करेंगे आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें चलिए फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं चार्ल्स डी एलिस की हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटी गिवन है तो चार्ल्स डी एलिस इज़ अ फेमस अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट तो एक यू नो फेमस अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं ये और इज़ नॉन फॉर हिज़ बुक विनिंग द लूज़र्स गेम तो ये अपनी बुक से काफ़ी पॉपुलर हैं इनकी एक बुक है जिनका नाम है विनिंग द लूज़र्स गेम तो एज़ वेल एज़ हिज़ आर्टिकल और साथ में इनका एक आर्टिकल है द लूज़र्स गेम विच वॉज़ पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल एनलिस्ट जर्नल तो ये यहाँ पर इस जर्नल में इस न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुआ था और ही हैज़ मेड यूज ऑफ द इंडेक्स फंड्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तो वो जो थे इंडेक्स फंड्स का यूज़ करते थे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए तो एलिस इज़ अ फॉलोअर ऑफ स्लो अप्रोच ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट तो एलिस जो थे एक यू नो स्लो अप्रोच इन्वेस्टमेंट की जो स्लो अप्रोच थी होती है उसके फॉलोअर हैं तो स्लो अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म तो स्लो अप्रोच इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसके बेसिस पे जो होते हैं ना डिसीज़न वो होते हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से एसोसिएटेड यू नो वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं तो दिस रिसर्च दिस अप्रोच इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द इन्वेस्टर तो ये जो अप्रोच है ये इन्वेस्टर इन्वेस्टर के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एलिस हैज़ डेवलप फोर अप्रोचेस उन्होंने फोर अप्रोचेस को डेवलप किया एंड टेन इन्वेस्टमेंट रूल्स उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में हमें दिए जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं अप्रोचेस की बात करेंगे साथ में इनके टेन रूल्स स्टडी करेंगे अप्रोचेस जो उन्होंने दी है वो दी है कि फिज़िकल अप्रोच इंटेलेक्चुअल अप्रोच काम एंड रेशनल अप्रोच जॉइन दैम अप्रोच तो फिज़िकल अप्रोच में कहना है कि दिस अप्रोच uh, के अकॉर्डिंग क्या होता है दिस कम्पैटिटर कैन बी डिफ़ीटेड बाय वर्किंग फॉर अ लॉन्गर टाइम दैट इज़ बाय वर्किंग हार्डर तो यहाँ पर कम्पैटिटर को आप तभी डिफ़ीट कर सकते हो जब आप हार्ड वर्क करोगे इंटलेक्चुअल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करके अपने माइंड का इस्तेमाल करके और एक इंटेंसिव थिंकिंग करके आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो काम एंड रेशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग द डिसीज़न टेकन इन अ काम एंड रेशनल मैनर जो है कैन चेंज इवन द अनफेवरेबल कंडीशन इन टू फेवरेबल कंडीशन कि जो कंडीशन हम शांति से के सोचते हैं कामली होके लेते हैं रैशनल हो के यानी कि लॉजिकली सोच के हम लेते हैं भले ही चाहे हम वो अनफेवरेबल कंडीशन में ही क्यों ना लें तो हमारे जो वो डिसीज़न होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन में बदल देते हैं क्यों क्योंकि डिसीजन जो दिया गया वो शांति से लिया गया सोच समझ के लिया गया तो इसीलिए हमें दूसरों को हराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जॉइन दैम अप्रोच के अकॉर्डिंग वी शुड जॉइन द इंडेक्स फंड हमें इंडेक्स फंड को ज्वाइन करना चाहिए उसको फॉलो करना चाहिए और तभी जो है हम दूसरों को डिफीट कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडेक्स फंड के बेसिस पर की जानी चाहिए कम्पैटिटिव प्रॉफिट्स कैन बी रिसीव्ड बाय डूइंग सो आप तभी जो है कम्पैटिव प्रॉफिट कमा पाएंगे अब ये तो थी अप्रोचेस जो कि थी फिजिकल इंटेलेक्चुअल जॉइन देम अप्रोच एंड काम एंड रैशनल अप्रोच अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रूल्स की जो कि चार्ल्स डी एलिस ने दिए हैं तो अपनी बुक विनिंग द लूजर्स गेम में उन्होंने ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं नंबर वन है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो एलिस के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन शुड सेव हर पर्सन को सेविंग करनी चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए फ्यूचर के लिए चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए उसके बाद नो इमेजिनेशन और स्पैक्यूलेशन तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है कि इमेजिनेशन नहीं करनी किसी भी तरीके की स्पैकुलेशन नहीं करनी एक पर्सन को यू नो मस्ट नॉट शो हिज़ एक्टिविटी इन द मार्केट जस्ट फॉर अर्निंग मोर मनी अपनी यू नो एक्टिविटी को यू you नो know, बताना नहीं चाहिए शो नहीं करना चाहिए ज़्यादा मनी कमाने के लिए अंडर हिज इमोशनल डिज़ायर वन मे हैव टू फेस फेलियर ड्यू टू इट क्योंकि ऐसा करने से फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है दूसरा उन्होंने कहा है नो ट्रांजेक्शन ऑफ थिंग्स तो नो ट्रांजेक्शन ऑफ थिंग्स का ये मतलब है द ट्रांजेक्शन इन थिंग्स इज अ स्पेक्यूलेशन ट्रांजेक्शन इन थिंग्स इज अ अक्यूलेशन मतलब हम जब यू you नो know, चीजों का ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक स्पेक्युलेशन कहलाता है वो इट इज़ अ नॉट अ वैल्यू इंक्रीमेंट एक्टिविटी कहने का ये मतलब है जब स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है जब हम शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा कमाना चाहते हैं वो एक्टिविटी करना तो उन्होंने मना किया उन्होंने कहा है कि ये कोई यू नो वैल्यू इंक्रीमेंट एक्टिविटी नहीं है ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट है स्पैक्यूलेशन इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड इट इट ऑल्सो डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इससे कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती तो इसीलिए देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इसीलिए स्पैकुलेशन में लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट नो टाई विद नोट्स अबाउट स्टॉक ब्रोकर तो अब नो टाई विद नो इन टू नोट मतलब नोट टाई मत करो स्टॉक ब्रोकर के बारे में तो इन्वेस्टर मस्ट नॉट हैव एनी इल्यूजन विद रिगार्ड टू स्टॉक कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए स्टॉक के रिगार्डिंग एम एफ ब्रोकरस के रिगार्डिंग देयर वर्क इज नॉट टू अर्न इनकम फॉर यू उनका काम स्टॉक ब्रोकर का काम म्यूचुअल फंड ब्रोकर का काम आपके लिए अर्निंग करना नहीं है आपके लिए इनकम कमाना नहीं है रेदर बल्कि क्या करना है इज टू इन्वेस्ट योर मनी इन अदर एक्टिविटीज क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी मनी को इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ उनका काम और कलेक्ट करना सिर्फ ये काम है उनका इनकम देना नहीं है उनका काम उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ नो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मतलब एक इन्वेस्टर को कभी भी नई सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ये चार्ल्स डी एलिस का रूल कहता है तो सच सिक्योरिटी आर जनरली इशूड फॉर द कलेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्योंकि वो सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए की जाती है ना कि रिटर्न बना देने के लिए या ओनरशिप अवेलेबिलिटी के लिए इसीलिए न्यू सिक्योरिटी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए उनका कहना है कंजर्वेटिव अबाउट सेफ्टी उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर को कंजर्वेटिव होना चाहिए सेफ्टी अपनी यू you नो know, जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शुड नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन बोन्ड्स उन्होंने कहा बोंड्स में इन्वेस्टमेंट मत करो जज बा हियरिंग ये सुन के कि भाई और दूसरे पर्सन जो है वो कर रहे हैं तो ही मस्ट भी कंजरवेटिव एक इन्वेस्टर को जो है कंजरवेटिव होना चाहिए अपनी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट की लेकर काफी यू नो डिफेंसिव होना चाहिए तो देर आर कंटिन्यूस चेंज इन द प्राइज ऑफ बोंड क्योंकि बोन्ड के प्राइस में लगातार चेंज आते हैं स्टॉक्स के प्राइस में भी जिस तरीके से चेंज आते हैं तो बोन्ड्स आर कंसीडर एज लेस सेफ फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बोन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेस सेफ है कम सेफ है तो इसीलिए एक इन्वेस्टर को कंजर्वेटिव भी होना चाहिए अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए उसके बाद बात करें लर्न टू वेट लर्न टू वेट का रूल दिया है उन्होंने इसका मतलब है कि इन्वेस्टर विल हैव टू वेट इन ऑर्डर टू मीट हिज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कि एक इन्वेस्टर को जो है वेट करना चाहिए ताकि वो उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिवज हैं वो पूरे हो तो वेटिंग इज़ अ वेरी इजेंशियल एलिमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो वेटिंग भी वही कर सकता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर एंड एसेट प्लानिंग में है ना उसके बाद डाउट योर इमोशंस ऑब्वियसली जब कोई इमोशनली आप कुछ सोच रहे हो तो हमेशा उस चीज़ पे डाउट जरूर करो क्योंकि आपने वो इमोशनली सोची है वो चीज़ तो इन्वेस्टर शुड डाउट हिज इमोशन अपने इमोशंस पर डाउट करना चाहिए वैन यू फील द मैक्सिमम प्लेजर देन यू मे पर हैव बी प्रिपेयरिंग फॉर अ हार्ड टाइम कहने का ये मतलब है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इसका मतलब क्या है कि यू मे पर हैव शायद आप जो है हार्ड टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि बुरा वक्त उसके बाद नाइन्थ और टेंथ रूल में उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी मेड ड्यू टू टैक्स पर्पसिज मतलब आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो फिर वंस हाउस मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट किसी का घर कभी भी इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं मानना चाहिए किसी के घर को इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ वैल्यूएबल प्लेस इसको आप एक घर को हमें वैल्यूएबल प्लेस मानना चाहिए कि हाँ क्योंकि वो हमारे फैमिली के लिए है दैट्स वाई जैसे कहते हैं ना लोग हाउस भी इन्वेस्टमेंट है नो no. उनका ये कहना था तो ये टेन रूल्स थे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कवर कर देंगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच